मेरे प्रिय बच्चों, मैं रघुराई राम प्रवक्ता जिन्नी श्री लक्ष्मण दास दमेले इंटर कॉलेज मऊदानीपुर में इंटरमीडिएट के समस्त छात्रों का सत्र 2020-21 के लिए शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि हम व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाते चले आ रहे हैं, उसमें हमारा प्रकरण जयशंकर प्रसाद चल रहा है। वर्तमान समय में हम पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि पवन गुप्ति का ही आपको पढ़ाया जाए फर्स्ट लेसन से लेकर करते हैं। तो देखिए, सामाजिक समरसता जहां तक रहती है उस भावना को देखते हुए मानवीयता की भावना को भी देखा जाता है। मानवीयता में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, करुणा, प्रेम, द्वेष, राग, अनुराग, ये सारी चीजें रहती हैं जिससे आदमी या व्यक्ति का व्यक्तित्व तो विह्वल हो जाता है, कभी कभी उत्सुक हो जाता है, कभी कभी बहुत सारी समस्याओं से घिरा होता है। परंतु एक प्रेम ऐसी भाषा है पवन गुप्ता में कहा जाता है कि प्रेम एक ऐसा अनुराग, एक ऐसा मानव जीवन का अंश होता है जिसमें वो तिनके का सहारा भी खोजता फिरता है। जैसे पुरुषोत्तम राम माता सीता के अपहरण के बाद उन्होंने व्यथित रूप में कभी पक्षियों से, कभी सागर से, कभी पहाड़ों से, कभी पत्थर से पूछते थे कि हे खग मृग हे मधुकर रैनी तुम देखी सीता मगनैनी। इसी तरह से भगवान, मैं उस प्रकरण की ओर जाना चाहता हूँ, पवन दूतिका की ओर, कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और यहाँ राधा जी माता राधा अकेले रह जाती है, तो एक दिन वो उनके विषय में, उनके प्रेम में, उनके अनुराग में स्वयं खोई हुई थी और एकांत अपने कक्ष में, शयन कक्ष में बैठी हुई थी। परंतु अचानक हवा का झोंका, हवा वहां प्रवेश करती है, उनके तन को स्पर्श करती है और स्पर्श करने के बाद जब उन्हें एहसास होता है कि पवन यानी हवा, वायु, समीर मुझे स्पर्श करती है, यहां से बात स्टार्ट होती है। और राधा जी क्या कहती हैं, कहती हैं बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा के भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों के विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की दूरता से। आइए, तो इसमें सबसे पहले देखिए संदर्भ आता है, आप संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्य खंड अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, सामान्य हिंदी के पवन गुप्ता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्रीमद्या प्रसाद थे, उपाध्याय हरिओम। प्रसंग आपको लिखना है कि उस समय का वृतांत है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल धाम को त्याग कर
मथुरा में चले जाते हैं और वहां रहते हैं। उस समय राधा जी जो उनकी प्रेमिका चाहे करिए तो वो रुक वहीं रहती हैं। उनके वियोग में वो व्याकुल करुणामयी बहुत परेशान अवस्था में बैठी होती है। उसी समय अचानक हवा का प्रवेश होता है और वहां का दृष्टांत इस प्रकार से शुरू होता है। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली। हरिओम जी कहते हैं कि राधा जी प्रातःकालीन सुखद वायु के समक्ष एक चुपचाप शांत मन से बड़ी दुखी मन से एकांत मन से विरह की वियोग में जलती हुई राधा जी बैठी हुई। उनकी स्थिति यह थी कि उनके आंखों में द्रग द्रग माने आंसू, द्रग माने आंखें, दोनों आंखों में आंसू छलके हुए थे और वे ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो उनके आंखों से आंसुओं का प्रवाह होते हुए धरा माने पृथ्वी को भिगो रहे। तभी उनके प्रेम वियोग में लिप्त राधा जी के आंखों से जब अश्रुओं की धारा प्रवाहित होती है उसी क्षण वहां वायु के पुष्पों से सुगंधित मधुमयी वायु का प्रवेश होता है और उनके कक्ष में प्रवेश करते हुए जाती सदन वाले घर। प्रातः वाली सुकुवन इसी कालवायिका में वातायनों में और प्रातः काल की खुशबूदार वायु उनके पूरे शरीर को स्पर्श करती संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता ऐसा प्रतीत होता है कि राधा जी जैसे स्पर्श का आभास करती हैं तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हे पवन तुम भी इस संसार में बहुत सारे दुखों से ग्रसित तो हो और दुख के साथ धीरे बोली सद उससे श्रीमती राधिका श्रीमती राधा जी उनसे इस तरह से बात करती हुई बड़े खेद के साथ बड़े दुख के साथ अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे पवन दूतगण प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे ऐसा बताती है। देखो वायु का वेग जैसे ही स्पर्श करता है राधा जी कहती हैं कि हे पवन तू मुझे इतना क्यों सताती, मैं वैसे पहले से ही परेशान हूँ और मुझे पुनः तुम अपने इस स्पर्श के माध्यम से इस तरह से मुझे कष्ट पहुंचाती हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भी इस संसार रूपी कलुषित संसार से आप भी किसी न किसी क्रूरता से पीड़ित। अब देखिए बच्चों जब इस ये प्रश्न मतलब पद्यांश हो गया, अब इससे संबंधित कोई भी कोई प्रश्न पूछे जैसे आपको आ जाए कि कक्ष शयन कक्ष में कौन प्रवेश करता है, वायु का पवन दूतिका का प्रवेश होता है। इस स्पर्श होने के बाद राधा जी क्या कहती हैं तो ये सारे आपके जहन में आ जाएंगे और सारा चीज क्लियर हो गया। अगर कोई समस्या हो तो मुझे काल करके पूछा जा सकता। अगला देखो जब पवन दूतिका के लिए माँ राधा जी ये कहा तो उनके दिमाग में ये बात आया जैसे मैंने पहले कहा था कि डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा लेता है, जैसे वायु का प्रवेश उनके तन में स्पर्श कराता है तो उनके मन में एक भावना जागृत होती है कि हो सकता है कि मेरा संदेशा ये पवन दूतिका भगवान केशव तक पहुंचा सकता है। तो वो उनसे अनुरोध करती हैं कि हे पवन दूतिका
यदि आप चाहें तो मेरा एक काम कर दें, और मेरा काम केवल इतना है कि तुम जिस तरह से मुझे स्पर्श करके एक आनंद की सुख की अनुभूति प्रदान की है, मेरा संदेशा, तुम तो हमेशा गुण सब जगह भ्रमण करती रहती हो, मेरा संदेशा भगवान श्री कृष्ण से ये कहना है। लेकिन अब वो ये भी बताती हैं कि समय समय पर रास्ते में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, उनको भी मेरा इस तरह से उपकार करते हुए, ऐसा कार्य करते हुए तुम्हें गोकुल धाम पहुंचना है। तो क्या कहती हैं राधा जी, कहती हैं कि लज्जा शीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, उन्हें देना विकट वासना तो नतु सुंदरी को, जो थोड़ी सी भी श्रमित वह को गोद ले शांति खोना, होंठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं बिताना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तत्भूतांगना। भगवान श्री कृष्ण को संदेशा भेजने के लिए पवन को दूतिका बना करके राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तू मेरी बहन के समान है, सहेली के समान है, ऐसा करना कि तुम रास्ते में जाना और मेरा संदेशा जब लेकर के जाना तो रास्ते में लज्जा शीला पथिक महिला, शील लज्जित मतलब लाजवंती स्त्री, यदि कोई तुम्हें इस रास्ते में पथिक के रूप में दिखाई दे, राहगीर के रूप में दिखाई दे, तो होने देना विकट वासना तो नतु सुंदरी को, हे पमन दूतिका, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि उसके ताने के वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त ना हो जाएं, बल्कि उसका शरीर पूरी तरह से ढका रहे, उसको किसी तरह से किसी भी बात की ग्लानि ना हो, उसको शांति पहुंचाने का प्रयास कर, और होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, थोड़ी जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वह श्रमित माने अगर थक गई हो, परिश्रम करने के बाद उसको थकान का एहसास हो रहा हो, तो हे पवन दूतिका, उस महिला को, उस नारी को, लज्जित लज्जाशील नारी को, लाजवंती नारी को अपने आलिंगन में लेते हुए, अपनी गोद में उसको लेकर के उसे शांति पहुंचाने का पूरा प्रयास करना, होंठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाने, उसके आधरों होंठ माने आधर, उसके आधरों की और उसके कमल के समान आधरों के सुख प्रदान करना, और उसकी जो चेहरे पर शरीर मतलब चेहरे पर जो मिलानताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको अपने वायु के वेग के माध्यम से समाप्त करने का पूरी चेष्टा करें। अब आगे बढ़ेगी, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो माँ राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि आपको मार्ग में कोई थका हारा परेशान किसी कृषक का लाल, कृषक माने किसान, लल्ला माने पुत्र, कृषक का पुत्र यदि कहीं आपको खेतों में आसपास दिखाई दे, तो आप
उसके पास धीरे धीरे जाकर के उसको स्पर्श करते हुए उसके सारे संतापों को मिटाना, उसकी सारी थकान को मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और एक बात का ध्यान रखना पवनदूत का, कि यदि आकाश में कोई जलद, जलद माने होता है बादल, अगर कोई बादल आकाश मंडल में आपको दिखाई दे तो उस कृषक के पुत्र को सांत्वना पहुंचाने के लिए अपने वायु के वेग के माध्यम से उसके सर के ऊपर उस बदली को, उस बादल को ला देना, ताकि सूर्य की किरणें उस पर लंबवत ना पड़े। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, उसके ऊपर छाया कर देना, ताकि जब बादल होते हैं तो सूर्य की किरणें धीमी पड़ जाती हैं, उस बच्चे को सुख मिलेगा और तपती हुई धरती के अंग को भी शांत कर। तो अगर लज्जाशीला होती, इसमें क्वेश्चन तमाम बन सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हो। अब जैसे कृषक ललना एक शब्द आया, कृषक ललना, अब इसमें वो प्रश्न हो सकता है कि कौन सा समास, तो कृषक का पुत्र अर्थात तत्पुरुष समास, ठीक है। और कुछ भी ये उनकी अनुरोध है कि रास्ते में अगर कोई इस तरह का मतलब व्यक्तित्व मिलता है तो उसकी आपको संरक्षा करनी। आगे कहती हैं कि नीचे फूले कमल दल सा गात की श्यामता है, नहीं तू देखेगी जलद तन का जो वही तदकता हो, होने होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीचे फूले कमल दर्शी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं पवीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। देखिए इस पद्यांश में माँ राधा बहन पवन दूतिका को स्पष्ट बताती हुए कहती हैं कि जब तुम वहां पर जाकर के पहुंचोगे मथुरा में, तो तू देखी कि जलद तन का जा वही ददकता हो, जो वही ददकता हो। आप जब वहां पहुंचेंगे गोकुल धाम, तो हे पवन दूतिका आप मेघ वर्ण के रूप में, मेघ वर्ण यानी बादलों के रूप में, बादलों के समान शोभा देने वाले श्री कृष्ण का शरीर अंग देखेंगी, शरीर देखेंगे, और होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, लोने माने अच्छे सुंदर है ना, वे बड़े सलोने उनके नेत्र होंगे और उनके नील कमल के समान मोहक होगी। भगवान श्री कृष्ण की मुद्रा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनमें उच्च कोटि का आकर्षण होगा, वो पूरा शरीर मूर्ति के समान सौंदर्य से युक्त होगा, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुख मंडल से निकलने वाली एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके लिए सुधा, सुधा माने अमृत के समान होंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की अनुपम छटा का वर्णन करते हुए राधा जी आगे, नीले फूले कमल दर्शी गात की श्यामलता, और उनके गात माने होता है कपोल, कपोल माने भी होता है गाल, उनके जो मुख मंडल
का आकार है वो ऐसा प्रतीत होगा जैसे नील कमल हिला हुआ हो, नील कमल के समान श्यामल होंगे, श्यामल माने मतलब काले रंग से युक्त, और नील कमल के समान उनकी शारीरिक संरचना का मोहन होगा, मोहक होगा। वे पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रियतम अपने इस मेघवर्ण शरीर के ऊपर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं जो उनके शरीर पर बहुत हबता है, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और छोटी काली काली अलक, अलक माने होता है ये अलक बालों की जो एक कुटिया से निकलती रहती है, तो अलक उनके मुख के ऊपर काले रंग के बालों की लट उनकी शोभा को मैं चार चांद लगाती है, और क्या है सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रवाह है, और उनके सद सद का यहाँ सुंदर से है, सुंदर वस्त्रों से उनके मनोहर शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ रही होती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आपको मिले। अब इसमें सौंदर्य का वर्णन किया गया है, आगे अब आगे कहते हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ग्रसित राधा जी कहती हैं पवन दूतिका से, यह पवन दूतिका जब तुम भगवान श्री कृष्ण के घर पहुंच जाना तो यदि कोई भी मुरझाया हुआ सुंदर फूल आपको वहां पड़ा मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, तो उसे ले जाकर के भगवान के चरणों पर अर्पित कर देना, और प्यारे के चरण में पर ला डाल देना उसी को, यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, और हे पवन दूतिका मैं आपसे विनम्र याचना करती हूं कि जब वो पुष्प उनके चरणों के समक्ष डालना तो ऐसा आभास भगवान श्री कृष्ण को कराना कि ये पुष्प नहीं, जिस तरह से ये पुष्प कुमलाया हुआ है आपकी वो बालिका, आपकी प्रेयसी राधा भी इसी प्रकार से कुमलाई हुई है, और मिलाना हो कमल, हो कमल पग को चूमना चाहती है, और इतनी मिलान, इतनी मतलब उसके अंदर दुख दर्द विरह वेदना की भावना व्याप्त है कि वो आपको एक बार स्पर्श करना चाहती है, आपके कमलवत चरणों को स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती है। इसी क्रम में ये बच्चों मेरा वीडियो खत्म, धन्यवाद। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मुझसे बता, धन्यवाद। ठीक है भाई।